नमस्कार, हेलो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैली शर्मा। आज हम आपको ट्रेन यात्रा से जुड़े कुछ नए नियमों के बारे में बताएंगे। इंडिया रेलवे ने जानकारी दी है कि सोमवार से 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। रेलवे ने पहले ही 30 राजधानी जैसी स्पेशल एसी ट्रेनों को शुरू किया था। इसके अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है, ताकि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। देश भर में लॉकडाउन के बीच करीब 2 महीने में इंडियन रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू करने जा रहा है। इन ट्रेनों में यात्रा करने से पहले रेलवे ने पैसेंजर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस तय किया है, जिनका पालन करना अनिवार्य है। ट्रेन में यात्रा करने से पहले इन बातों का जरूर ख्याल रखें। सभी यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन की एंट्री और एग्जिट गेट पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। 2, केफल कंफर्म और वैलिड टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों पर जाने की अनुमति होगी। 3, इंडियन रेलवे ने सभी पैसेंजर्स से अपील की है कि वो फेस मास्क पहने। सभी यात्रियों के लिए यह अनिवार्य है। 4, जिन यात्रियों में COVID-19 का कोई भी लक्षण नहीं होगा, केवल उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। 5, सभी यात्रियों को हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। 6, ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम अपने नए एपिसोड में आपको और नई नई खबर देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।